डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट बड एंड बियरिंग हैबिट इन फ्रूट क्रॉप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्लावर बड डिफरेंशिएशन को भी देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्रेंड्स, हम जब भी हम बियरिंग हैबिट की बात करते हैं, यानी पौधों में फलन की जो आदत है उसको अगर हम लेके चलते हैं, तो आपके सामने कई टर्म्स आती है कि यह टर्मिनल बियरिंग करता है, ऑक्सिलरी बियरिंग करता है, या करंट सीजन बियरिंग है, ओल्ड सीजन बियरिंग है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इन सभी एस्पेक्ट को हम लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं बियरिंग हैबिट। बियरिंग हैबिट यानी फलन की आदत। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ फ्रूट बर्ड इन रिलेशन टू वेजिटेटिव ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स में जो फ्रूट बर्ड की कंडीशन और टाइप अलग अलग होती है, यह एक ही क्रॉप की अलग अलग वैरायटी के अंदर अलग अलग हो सकती है। अब बियरिंग हैबिट को शुरू करने से पहले हम देखेंगे फ्रूट बड, यानी जो फलन वाले कलिकाएं हैं उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो फ्रूट बड जो है वह सिंपल या मिक्स्ड दोनों ही तरह की हो सकती है। जितनी भी फ्रूट बड्स होती है वह फ्लावर बड होती है, लेकिन सभी फ्लावर बड फ्रूट बड हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं वह कभी भी फ्रूट बियरिंग नहीं करते हैं। अब सबसे पहले फ्रूट बड में हम देखेंगे सिंपल बड। तो फ्रेंड्स, सिंपल बड्स वह बड होती है जो या तो फ्लावरिंग करती है या वेजिटेटिव शूट की फॉर्मेशन करती है। यह उस प्लांट में पाए जाने वाले बड के नेचर पर डिपेंड करता है। तो सिंपल बड के एग्जांपल है चेरी, सिट्रस, कोकोनट, डेट पाम, पीच, आलमंड, एप्रिकॉट, प्लम, मैंगो एंड लोकार्ड। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड बड। मिक्स्ड बड वह बड्स होती है जिनके अंदर एक साथ फ्लावरिंग और वेजिटेटिव शूट का निर्माण होता है। इसके एग्जांपल है बेर, ग्रेप्स, गुआवा, पोमग्रेनेट, एप्पल, पियर, कैशोनट। तो फ्रेंड्स, मिक्स्ड बड में जो फ्लावर की फॉर्मेशन है या वेजिटेटिव शूट की फॉर्मेशन है वह एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है। और जो पेड़ के अंदर पाई जाने वाली बियरिंग हैबिट है वह है पौधे या पेड़ में की जाने वाली प्रूनिंग और ट्रेनिंग के टाइमिंग, सीवियरिटी ऑफ सिस्टम, इन सब को डिटरमाइन करने में मदद करती है। इसी तरह पैकेज एंड प्रैक्टिस को भी डिज़ाइन करने में यह हेल्प करती है। तो बियरिंग हैबिट के बेस पर जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको वरिस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ताकि प्रूनिंग, स्कीपिंग और हेडिंग बैक के जो कल्चरल ऑपरेशन है उनको टाइमली फ्रूटिंग के अकॉर्डिंग किया जा सके। अब देखते हैं बियरिंग हैबिट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो यहाँ पर हम अलग अलग जो बियरिंग हैबिट है, जैसे शूट बियरिंग है, सब स्पर बियरिंग है, टर्मिनल या ऑक्सिलरी बियरिंग है, इन सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शूट बियरिंग। शूट बियरिंग यानी शाखाओं पर फलन। तो शाखाओं पर फलन जो अगर हम देखेंगे तो यह टर्मिनल, लेटरल या टर्मिनल और लेटरल दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है पपाया। फिर आता है स्पर बियरिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पर क्या होता है। स्पर इज़ ए मॉडिफाइड शूट ऑफ मोर देन वन ईयर दैट होल्ड द फ्रूट बड एंड रिमेन प्रोडक्टिव फॉर सम ईयर। यानी एक साल से अधिक की मॉडिफाइड शूट होती है जिस पर फ्रूट बड की फॉर्मेशन होती है। यह कल्टीवर्स और स्पीसीज पर डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल है एप्पल, पियर और चेरी। फिर आता है मिक्स बियरिंग। मिक्स बियरिंग में क्या कौन कौन सी क्रॉप है, इसमें आती है पोमग्रेनेट, सिट्रस और कैरम्बोला। अब फ्रेंड्स, आपने कई जगह टर्मिनल बियरिंग या ऑक्सिलरी बियरिंग शब्द सुने होंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टर्मिनल बियरिंग और ऑक्सिलरी बियरिंग होता क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टर्मिनल बियरिंग। तो जो शाखा का अग्र भाग होता है उसे हम टर्मिनल पोर्शन कहते हैं या एपिकल पोर्शन कहते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप इजीली इसको देख सकते हो। तो टर्मिनल पोर्शन या एपिकल पोर्शन शाखा का अग्र भाग है। यह शाखा के अंदर एपिकल डोमिनेंस लाता है। इसी तरह अब ऑक्सिलरी बियरिंग। ऑक्सिलरी बियरिंग यानी जो ये शाखाएं हैं, साइड में जो शाखाएं हैं प्लांट के अंदर, उनके अंदर कक्षस्थ कलिकाओं का निर्माण होता है। ये जो कक्ष, ये एक्सिल फॉर्मेशन होती है दो शाखाओं के बीच में,
या पत्तियों के, दो पत्तियों के बीच में या साइड में आप ये एंगल दो देखोगे, वहाँ पर एक्सिलरी बड का निर्माण होता है और यहाँ से जो फलन की कलिकाएँ बनती है उसी के बेस पर इनको ऑक्सिलरी बियरिंग कहा जाता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले टर्मिनल बियरिंग या एपिकल बियरिंग, इसको शाखाओं की स्थिति के आधार पर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड में बांटा गया है। अनब्रांच्ड के अंदर आता है बनाना और पाइनएप्पल। फिर टर्मिनल बियरिंग में आता है ब्रांच्ड, इसके एग्जांपल है अवोकेडो, मैंगो और लीची। अब फ्रेंड्स, जो टर्मिनल बियरिंग है वह सीजन के अकॉर्डिंग करंट सीजन बियरिंग और ओल्ड सीजन ग्रोथ बियरिंग होती है। करंट सीजन बियरिंग यानी नई जो कलिकाएं बनती है उन्हीं के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, इसके एग्जांपल है जैक फ्रूट, पिकानट और लोकाट। और टर्मिनल बियरिंग में दूसरा आता है ओल्ड सीजन ग्रोथ बियरिंग। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स के जो फलन वाली शाखाएं जो है पिछले सीजन में बन चुकी होती है और फिर उनके अंदर फलन होता है, इसके एग्जांपल है मैंगो, लीची, बनाना और पाइनएप्पल। अब आते हैं ऑक्सिलरी बियरिंग। ऑक्सिलरी बियरिंग यानी लेटरल बियरिंग, यानी जो पाशरों में जो शाखाएं होती है, जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है उनके अंदर जब बड्स का निर्माण होता है, फ्लावरिंग बड या फ्रूटिंग बड का निर्माण होता है, तो उसे हम ऑक्सिलरी बियरिंग कहते हैं। यहाँ पे एक्सिल की हम डेफिनेशन देख सकते हैं, एक्सिल द एंगल फॉर्म्ड बाय द लीफ शूट एट्सेट्रा। अब ऑक्सिलरी बियरिंग को फिर आगे दो बार बांटा गया है, करंट सीजन बियरिंग और ओल्ड सीजन ग्रोथ बियरिंग। तो करंट सीजन के अंतर्गत आता है पपाया, कोकोनट, ऑरेंज, गुआवा, पैशन फ्रूट और ब्रेड फ्रूट। फिर आता है ओल्ड सीजन ग्रोथ बियरिंग, इसके अंतर्गत आता है कस्टर्ड एप्पल, ट्रॉपिकल एप्पल, सब ट्रॉपिकल पीच, पियर और प्लम। अब फ्रेंड्स, हम रिमेनिंग जो है पार्ट उसको अदर के अंदर लेके चलेंगे। तो इसमें आता है ओल्ड सीजन ग्रोथ बियरिंग क्रॉप्स। तो इसके अंदर 2 ईयर ओल्ड सीजन बियरिंग क्रॉप को देखेंगे, यानी 2 साल की शाखों पर जिनमें फलन आता है, इसके एग्जांपल है मैकडामिया नट और कैरम्बोला। दूसरा आता है लास्ट सीजन ग्रोथ बियरिंग या 1 ईयर ओल्ड शूट पर बियरिंग क्रॉप्स, इसके एग्जांपल है कैशोनट, पीच, पिस्टेशोनट और वॉलनट। अब फ्रेंड्स, आपने कई जगह कॉलीफ्लोरस बियरिंग नाम सुना होगा। तो कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट क्या है? यह स्टेम और ब्रांच बियरिंग हैबिट है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स है उनका प्रोडक्शन मेन स्टेम या ब्रांच पर डायरेक्टली होता है, इसका एग्जांपल है कोकोआ, जैक फ्रूट, ड्यूरियन और जेबोटिकबा। अब देखते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, यानी फ्लावर पार्ट की इमर्जेंस जो शुरू होती है उसका, उसमें हम एग्जांपल देखेंगे, मैंगो में होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी फ्लावर की इनिशिएशन कब होती है मैंगो में? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। फिर आता है ग्रेप्स, ग्रेप्स में होता है मार्च से अप्रैल, बनाना में है सितंबर टू अप्रैल, आंवला में है मार्च, और इसी तरह पाइनएप्पल में अगर देखें तो यह 40 लीफ स्टेज पे होता है। इसी तरह अलग अलग क्रॉप्स में यह है अलग अलग मंथ में फ्लावर बड डिफरेंशिएशन होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बियरिंग हैबिट को स्टडी किया है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिपा एग्री क्लासेज़।